ओके सो अर टूडेज टॉपिक इज आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो हमने टाइप्स में पढ़ा वह हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं इन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर्म यू कैन सी राइट ओके आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है ठीक है तो पहली बात एक सिंपल सिंपल वन पॉइंट लिख लेते हैं अभी हमने आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में आपको मैंने सिंपल से क्या बता दिया था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ट्रांसफर क्या होता है आपका आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है तो अपन इसके पॉइंट्स लिखते जाते हैं अपन को समझ में आता जाएगा ठीक है तो आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होता है इट इज फॉर्म्ड बाय ओके तो इलेक्ट्रॉन का जब पूरी तरीके से ट्रांसफर होता है कंप्लीट ट्रांसफर वर्ड हम ये वाला वर्ड यूज करें कंप्लीट ट्रांसफर तब कौन सा बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है ये हमने अभी पढ़ा दूसरी बात हमने क्या समझी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए मेटल और नॉन मेटल का होना जरूरी है मतलब एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा नॉन मेटल होगा दैट मीन्स मेटल प्लस नॉन मेटल गिव राइज टू द आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ठीक है ओके अब मेटल और नॉन मेटल जो है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो मेटल क्या करता है और नॉन मेटल क्या करता है आपको अभी जस्ट एक एग्जाम्पल में इसके लास्ट वाले वीडियो में जब मैंने टाइप्स बताया था तो अब अपने एन का एग्जाम्पल लिए थे एन ए ठीक है अभी मैं आपको और एग्जाम्पल समझा रही हूँ तो क्या बना था एनए बना था करेक्ट तो एन जो है वो उस समय क्या है किसकी तरह एक्ट कर रहा है एक्ट क्या कर रहा है ही वो एन क्या है मेटल है और सीएल क्या है नॉन मेटल है सिंपल सी बात है तो मेटल क्या कर रहा होता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लूज़ कर रहा है इस टर्म को अच्छे से समझ लीजिए जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने बोले कि मेटल और नॉन मेटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है ओके okay, तो मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जिस इलेक्ट्रॉन को मेटल ने लूज किया नॉन मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो कहानी क्या हो रही है यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में कि मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन आप ये नहीं लिख सकते मेटल विल लूज वन इलेक्ट्रॉन ये लिखना गलत है सो मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन मेटल जब एक अपना एक नहीं जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको एक्सेप्ट कौन करता है तो मेटल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और नॉन uh, मेटल क्या करेगा उसको एक्सेप्ट करेगा ये वाली कंडीशन हो रही है ठीक है अब देखो अब जब मेटल एक इलेक्ट्रॉन सॉरी जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा जब मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा बार बार मैं आपको एक बोल दे रही हूँ ठीक है तो यू शुड नॉट राइट वन एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है वेन मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा केट आयन आपको बहुत सारे वीडियो में सिर्फ मेरे ही नहीं कहीं भी आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज पता है कि एटम जब तक उसमें कुछ नहीं हुआ तो आइसोलेटेड एटम में जब तक कुछ नहीं है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है आइसोलेटेड एटम में ठीक है ठीके? जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उसमें क्या आ जाते हैं चार्ज आ जाते हैं ठीक है ठीके? तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो बना केट आयन और जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बना क्या

लूज करता है इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है अगर मैं बोल रही हूं एटम सिंपल मैं एटम की बात कर रही हूं अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया ठीक है इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन इज लूज जो भी वर्ड बोलना है आपको ठीक है एनी साइन एन यू कैन यूज तो जब यह कंडीशन होती है तो वो कौन होते हैं मेटल ही होते हैं मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं इलेक्ट्रॉन को उन लोग दे सकते हैं ठीक है थीके? तो मेटल जो है वो क्या बनाते हैं केट बनाएंगे ये आपका फ्लो चार्ट है आप इस चीज को समझ लो अच्छे से कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो कौन से टाइप का एटम है वो मेटल है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद मेटल क्या बन जाता है इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ केट आयन केट आयन कौन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है करेक्ट है ठीक बात वो होते हैं एटम जैसे एन के केस में सोडियम कैसा एटम है मेटल का आइटम मेटल है वो एक ठीक है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्यों आ रहा है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है सी को दे दिया है वहीं सी के ऊपर आपके कौन सा चार्ज आ रहा है माइनस तो अगर कोई एटम इफ एनी एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है भाई एक लूज कर रहा है लूज कर रहा उसको खुशी थोड़ी नहीं हो करने में को ही दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन तो जो लूज कर, रहा है दूसरा वाला क्या करता? उसको कर लेता है ठीक तो है ठीक है ठीके? वो कौन होते हैं नॉन मेटल है वो ठीक और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कैसा बन जाता है एनायन बन जाता है भाई एनायन क्या होता है बड़ी मीन में एनायन एनआईन

हमको पता है एक टर्म यूज़ होगा जैसे आपसे कभी भी एक स्टेटमेंट सिंपल सा पूछ पूछते हैं या आपको पता भी होगा ठीक है फिर भी मुझे बताना पड़ेगा आपको कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये शब्द हम बोलते हैं ठीक है क्यों बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सारे सारे क्वेश्चन देखो अगर बनते हैं तो सिंपल है ना बने तो कठिन सिंपल सी बात ठीक है क्वेश्चन डिफिकल्ट कब होता है जब नहीं बनता है और बनता है तो क्या टफ है क्या नहीं है एवरी क्वेश्चन इज़ सिंपल इफ़ यू नो द आंसर ठीक है सो वेन इट विल बिकम डिफिकल्ट डोंट नो द आंसर राइट तो भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है ठीक है क्योंकि आप सबको इसका आंसर पता है और ये पूछा जाता है ये मैं पूछ रही हूँ यार चलो हटा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल बोला जाता है एटम को क्यों सिंपल सा आंसर है वो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन भाई जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं इसीलिए एटम जो है वो क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है आटम को किसी भी तरीके से अपने आप को इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना जरूरी है ठीक right? है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट यही कंडीशन है अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई तो कैटाइन के केस में तो ये चीज़ हो नहीं रही है कैटाइन के केस में एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे रहा है तो हाउ हाउ इट इज पॉसिबल दैट नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो भैया ये पॉसिबल नहीं है तभी तो कैटाइन बना तभी तो एनआईन बना समझ रहे हैं आप ओके सो सर इसका आंसर सिंपल सा है सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हाउ इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट मेन्टेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे बना बनाकर रखते इस चीज को मेंटेन क्योंकि जितने प्रोटॉन रहते हैं प्रोटॉन रहते का है आपके न्यूक्लियस के अंदर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो जितने भी प्लस चार्ज अंदर न्यूक्लियस के उतने माइनस चार्ज ठीक है इसलिए एटम को बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ठीक है एटम एटम जो है कैटायन कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करके एटम एन uh, कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन क्यों होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने के लिए ठीक है सेटिस्फाई करना अपना ऑक्टेट रूल बना के रखना है ओके okay. अब एक और क्वेश्चन आपसे हमने जो अभी एग्जाम्पल बढ़ा एन ए सी हैव का जस्ट नो है दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl भाई इससे सीधे सिंपल एग्जांपल उठाओ NaCl तो ये जो NaCl साथ में है आपस में है ये दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं करेक्ट ये दोनों क्या हैं ऑपोजिट चार्जेस हैं ऑपोजिट चार्जेस हैं ठीक है ये दोनों साथ में हैं ये दोनों बंधे हुए हैं एक बॉन्ड से ठीक है कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है तो ये मैंने आपको क्या है सिंपल सा बोला कि ये जो दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयन्स हैं ये आपस में अगर बंधे हुए हैं तो किस वजह से इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है जो ये दोनों आपस में अट्रैक्टेड है मतलब कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है सीधी सी बात है तो कौन सा फोर्स रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसको कोलम्बिक फोर्स भी बोला जाता है इसको बोला जाता है क्या कोलम्बिक फोर्स राइट और अगर इसको स्वच्छ साइंटिफिक में आपको साइंस लैंग्वेज में स्टेटमेंट के फॉर्म में चाहिए तो यू कैन राइट इट एज और यू कैन कॉल इट एज द कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द अपोजिटली चार्ज आय टूगेदर इज वॉट इज यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है जो दो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स को साथ में बांध कर रखे सिंपल अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं आपको ठीक है तो वो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है तीन बार बोल चुकी हूँ क्या करता है दो ऑपोजिटली चार्ड आइन्स को साथ में बांध कर रखता है करके रखता है बाइंड करके रखता है एनी वर्ड एनी टर्म यू कैन यूज राइट योर आंसर इन योर ओन टर्म ठीक है ओनली द मोटो इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री राइट ठीक है तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक uh, फोर्स या कोलंबिक फोर्स ओके मूविंग टू द नेक्स्ट ये तो हो गई कहानी आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की अब आप इसका देखो एक एक करके एग्जाम्पल ठीक है लेट मी राइट द स्टेटमेंट फॉर यू ऑल ठीक है नहीं तो क्या है बहुत लोगों के दिमाग में रहता है भैया लिखती नहीं है मैडम कितना सुने कितना पॉज करें ये हो गई आपकी जो मैंने बोला था इतने छोटे से में उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखा है ठीक है सो एग्ज़ाम्पल्स एन का सी एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बार समझा चुका है ठीक है अब आप देखो दूसरा एग्जाम्पल सी एफ टू कैल्शियम फ्लोराइड ठीक है एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कैसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं ठीक है एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का ओके कैल्शियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं कुछ नहीं करना सबसे पहले क्या करना है आपको देखो कैल्शियम फ्लोराइड कैसे बना सी ए एफ टू ठीक है कैसे फॉर्म हुआ कैल्शियम का अटोमिक नंबर होता है कितना ट्वेंटी कैल्शियम का टमिक नंबर कितना होता है ट्वेंटी ठीक है कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टू एट एट टू काउंट कर लो आप इसको ट्वेंटी है, 20 है? 20 हैं पर ये किसका है कैल्शियम का है ठीक पहले सबका लिख लेते हैं फिर बात करेंगे फ्लोरीन का होता है अटोमिक नंबर कितना होता है भाई नाइन होता है ठीक है कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टू सेवन ठीक है लिख दिया मैंने अब आप ध्यान से देखो इस चीज को और समझ लो कि कैल्शियम के केस में कैल्शियम एक क्या है मेटल है मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ फ्लोरिन क्या है नॉन मेटल है वो तो अफकोर्स हो गई क्योंकि आयनिक बॉन्ड पड़ रहे हैं तो कौन सी नई बात है तो ये है ठीक है कैल्शियम में आप देख पा रहे हो आखिरी में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसी कंडीशन है कि जब तक हमको क्योंकि पता है वैलेंस शेल में वैलेंस शेल मतलब जो आउटर वाला शेल होता है मतलब ये वाला आखिरी वाला यहाँ पे टोटल एट इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है और नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ठीक है ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये जो कैल्शियम है अगर वो एक दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है इफ इट विल लूज टू तो इलेक्ट्रॉन तो उसके जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक सुखी जीवन कैल्शियम का हो गया स्टेबल है उसके ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ तक ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है उसका ठीक फ्लोरिन के पास क्या कंडीशन है कि उसके बाहर वाले शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सेवन इलेक्ट्रॉन है ठीक है मतलब उसको अभी और इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके उसकी मतलब उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए आप बोलो तो क्या होगा फ्लोरिन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन सेवन है एक और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट ठीक है तो सी एफ टू बना कैसे तो क्लो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन देने की हिम्मत है भाई दो इलेक्ट्रॉन देने की इट कैन डोनेट और इट कैन लूज सॉरी आई शुड से इट कैन लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कौन सा मॉलिक्यूल बनाए सी ए एफ टू सी ए ठीक है ऐसे करके बना दे रही हूँ मैं तब आपको समझ में आ जाएगा ठीक कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ठीक है हम बाहर कभी भी वेने वे यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर यू हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग हम कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को पिक करते हैं हम पिक करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या होता है भाई कुछ ना समझ में आए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन आउटर इलेक्ट्रॉन बाहर वाला आखिरी में जो दिखता है इसके आजू बाजू कुछ नहीं आजू बाजू मतलब जिसके नेक्स्ट अब कुछ नहीं लिखा है वो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है कॉन्फिग्रेशन क्या है अभी टू एट एट टू टू एट एट टू यह है कॉन्फिग्रेशन फ्लोरीन का कॉन्फिग्रेशन बाहर में कितने हैं सेवन है सेवन अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में डॉट्स को ड्रॉ करो ठीक है कि मैंने यहां पर इस फॉर्म में बनाया तो आप भी इसे डॉट आप कैसे भी बना सकते हो क्रॉस भी बना सकते हो ठीक है अब देखिए अब कैल्शियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ये वाले फ्लोरीन को देख के बॉन्ड बना लेगा इसके साथ और ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाले फ्लोरीन को दे देगा दो फ्लोरीन है देर आर टू फ्लोरिन ठीक है एक एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरिन को दे दिया एक इसको दे दिया तो जब दोनों को दे दिया कंडीशन मेरे को इसको ऐसे ड्रॉ करना था ये कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो अब इसको देने के बाद इनके पास कितने हो गए इनका कॉन्फिग्रेशन कैसा हो गया टू एट हो गया इसका भी और इसका कॉन्फिग्रेशन भी हो गया टू एट करेक्ट है फॉर्मेशन हो गया सी एफ टू का अगर मैं आपसे पूछूं और अब देखो इसका जो है कॉन्फ्यूशन कैसा हो गया टू एट एट इसका टू एट इसका टू एट सब सेटिस्फाई सब खुश हो गई है अब देखो कैल्शियम ने क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे ठीक है हम भी मैंने आपको क्या बताया कि अपन इस फॉर्म में लिखते हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में करेक्ट तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो यू है ठीक है वी रोट जस्ट वन प्लस और वन माइनस क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुए थे यहां पर कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए कितने इलेक्ट्रॉन किए हैं टू तो प्लस टू आएगा कैल्शियम के ऊपर और फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा माइनस क्योंकि फ्लोरीन जो है उसने क्या है माइनस टू एक्सेप्ट नहीं किया है इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इस फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ठीक है तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मुझे ऐसे करके ड्रॉ करना चाहिए सीए के ऊपर प्लस टू हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरिने एक्सेप्ट कर लिया और जब हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं ऑल टुगेदर तो सी एफ टू लिखते हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए कि कितना चार्ज आ रहा है प्लस टू मतलब कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट टू प्लस थ्री दैट मीन्स प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है तो डिपेंड करता है जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने चार्ज उसके ऊपर बढ़ते जाएंगे ठीक है एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ तो उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा जैसे आप एग्जाम्पल ले लो एम का मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नीशियम का अटोमिक नंबर जो स्टार्टिंग में अभी पढ़ रहे हो आप पूरा लिख के पढ़ा करो ताकि सब कुछ समझ में आए ठीक है ठीके? बाद में आप जितना शॉर्टकट मारना आप मार सकते हैं आराम से ठीक है ट्वेल्व होता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर होता है एट कॉन्फिग्रेशन दोनों का जब लिखना होगा हमको तो हम कैसे लिखेंगे एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व इसका कितना हो जाएगा टू सिक्स आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है आप लोग वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हो क्या बहुत ब्रिलियंट हो आप लोग आप देखो बिल्कुल आपको देख के समझ में आ जा रहा है मैं कुछ भी बोलूँ या ना बोलूँ केमिस्ट्री है ही इतनी ईजी आपको दिख रहा बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं इसके पास ठीक है तो रही से आप ये बोल सकते हो रिचेस्ट पीपल मैग्नीशियम इज रिच ठीक है ज़्यादा है इसके पास दो एक्स्ट्रा हैं उसके पहले से ये खुश था ठीक है और इसके पास अभी क्या कंडीशन है इसके पास अभी इसको और दो इलेक्ट्रॉन चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए वैलेंसी को कैसे करेगा ये मैग्नीशियम है प्रेजेंट स्टेट में मैग्नीशियम का ये है कॉन्फिग्रेशन ठीक मैंने ड्रॉ कर दिया ठीक है वहां पर तो दो फ्लोरीन थे भाई यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की स्टेट क्या है अभी कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर वेलें, हमेशा, हमेशा वेलेंस सेल को ड्रॉ किया जाता है याद रखो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग का कुछ भी आप पड़े कुछ भी ड्रॉ करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं क्योंकि वही सेटिस्फाई या नॉट सेटिस्फाइड वाली कंडीशन रहती है ठीक है तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसको अभी अपन दो इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा ऑक्सीजन को दे देगा अब जो है ऑक्सीजन की कंडीशन पहले क्या थी टू सिक्स वाली कंडीशन थी जब इसने इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑक्सीजन का कॉन्फिग्रेशन कैसा हो गया मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कौन सा चार्ज कैरी करेगा ये प्लस टू करेक्ट ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे सिक्स दो इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा लेट मी ड्रॉ इन दिस मैनर तो अब कॉन्फिग्रेशन कैसा हो गया टू एट हो गया और इसका कॉन्फिग्रेशन भी क्या हो गया टू एट हो गया दोनों के ऑप्टेट कंप्लीट हो गए देखो प्लस टू एक्सेप्ट किया था तो प्लस टू मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन इसने सॉरी लूज किया था मेटल ने ये मेटल है मैग्नीशियम क्या है एक मेटल है तो मेटल ने अपने क्या किया था दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया था जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लस टू चार्ज आ गया ठीक बात ऑक्सीजन ने इस दो इलेक्ट्रॉन को जिसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया माइनस क्योंकि उसने क्या कि किया एक्सेप्ट किया या गेन किया बोल सकते हो ठीक है तो फॉर्मूला जो है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या बन रहा है एम जी ओ सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक ओके सो so आर द एग्जाम्पल और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है देखो क्या है कुछ नहीं समझ में आएगा आपको केमिस्ट्री तो कभी नहीं समझ में आएगी क्यों नहीं समझ में आएगी जब तक आप खुद से बुक री खोल कर रीड नहीं करेंगे जब तक आप रीड नहीं करोगे आप कभी भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते ठीक है मैंने जो बोल दी वो आपने सुन ली आपको लगा वही सच वही सच है ठीक है तो इफ़ यू इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ठीक है और अगर सच में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है अगर पास भी होना है तो आपको बुक रीड करना पड़ेगा सिंपल सी बात है बुक आप रीड करोगे तभी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि केमिस्ट्री से इजी सब्जेक्ट इस दुनिया में कुछ नहीं है इसमें पास होना बहुत आसान है यू कैन ईजिली पास ठीक है बस क्या करना पड़ेगा आपको एक बार बुक को रीड करके अगर आपके मन दिमाग में क्वेश्चन आता है तो यू कैन आस्क नहीं आता है तो अच्छी बात है आप एग्जाम्पल को सॉल्व करो क्योंकि थेरी पढ़ने से और देखने से कभी साइंस बनती नहीं ठीक है अनलेस एंड अनटिल आप जो है उसके एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं बनेगा कभी भी नहीं बनेगा अभी अगर मैं आपसे पूछूंगी आयनिक बॉन्ड तो आप फटाफट यूँ बता दोगे लेकिन कब प्रॉब्लम कहाँ जाती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ठीक है अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है तो क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपके लिए साइंस साइंस मीन्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी वट एवर यू स्टडी इट विल बिकम डिफिकल्ट सिंपल ठीक है सो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक ठीक है धोखे से भी पढ़ लो क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने आप आपको सब बन जाएगा ओके सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस टू एवरी वन स्टे हेल्थ